नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे चतुर शर्मीले स्वभाव वाले सुंदर शरीर वाले परंतु शातिर और चालाक दिमाग वाले पक्षी के बारे में जानने वाले हैं जो अपनी शहद और मिश्री के समान मीठी बोल से हर एक के मन को मोहित कर लेती है। इसका नाम आते ही दिमाग में कुहू कुहू की मधुर आवाज़ गूंजने लगती है तथा मन प्रसन्नता से भर जाता है। जी हाँ, आज हम कोयल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। कृपया आपसे यही आग्रह है कि इस चैनल में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें। आइए जानते हैं कोयल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तथ्य नंबर एक, दोस्तों कोयल की लगभग 120 प्रजातियां इस दुनिया में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व के लगभग सभी देशों में कोयल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व के अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में इसे कोयल के नाम से ही जाना जाता है, जबकि जापान में कोको, जर्मनी में कुहुक, हॉलैंड में कोई कोई के नाम से जाना जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं कोकिला, कोकपाली, बसंत दूत, कुहुक, वनप्रिया, पिक सारिका आदि। तथ्य नंबर दो, दोस्तों कुहू कुहू की मीठी आवाज बोलने वाली कोयल बहुत चतुर और शातिर दिमाग की होती है। यह शरीर से जितनी काली होती है इसका मन भी उतना काला होता है। इसे एक बेदर्द माँ के रूप में भी जाना जाता है। इसके क्या कारण हैं हम लोग अभी वीडियो के अंत में इसे देखेंगे। आइए देखते हैं तथ्य नंबर तीन, दोस्तों क्या आपको पता है कि कुहू कुहू की प्यारी मधुर और मनमोहक आवाज केवल नर कोयल निकालते हैं। मादा कोयल तो धीरे धीरे की आवाज निकालते हैं। ये बहुत ही शांत प्रिय शर्मीले पक्षी होते हैं। घने पेड़ की डालियों तथा पत्तियों में ये छुप कर बैठते हैं आप इन्हें देख ना सकें। केवल इनकी मीठी बोली से ही इनकी उपस्थिति का एहसास हो पाता है। इन्हें जब यह एहसास हो जाता है कि कोई इन्हें देख रहा है तो ये उड़कर किसी दूसरी डाली में पहुंच जाते हैं। तथ्य नंबर चार, दोस्तों यदि आप इनकी आवाज की नकल करते हैं तो ये जोर जोर से और तेजी से तथा बड़े जोश में बोलने लगती हैं और आपकी आवाज को दोहराती हैं। आप लोग इनमें ऐसे कितने हैं जिन्होंने कोयल की इस नकल को करके उससे कुहू कुहू बुलवाया है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए देखते हैं तथ्य नंबर चार, दोस्तों बसंत दूत के नाम से प्रसिद्ध कोयल एक प्रवासी पक्षी है। यह बसंत ऋतु में आम, जामुन, अमरूद आदि के बौर आ जाने पर उनके बौर और मंजरी के आसपास इधर उधर मंडराती है और उसके मधुर रस का स्वाद लेती है। एक डाली से दूसरी डाली तक बड़ी खुशी के साथ चहकती, फुदकती, नाचती और मधुर आवाज में बोलती है। दोस्तों फलों के लग जाने पर यह फलों का स्वाद लेती है, गाती फिरती है और कभी जमीन पर पैर नहीं रखती। नर कोयल पेड़ की डाली पर फुदकती, उछलती और नाचती रहती है। तथ्य नंबर पांच, दोस्तों कोयल एक सर्वाहारी पक्षी है। एक ओर जहां यह फल फूल कली आदि खाती है और फूलों का रस बड़े चाव से पीती है, वहीं यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, रोए वाले सूढ़ी कीड़े, झींगे, चींटियों आदि को खाती है। फूलों का रस तो यह विशेष स्वाद से पीती है। तथ्य नंबर छह, दोस्तों कोयल दुनिया की सबसे छोटी कोयल लिटिल ब्रोंज कुकू के नाम से जानी जाती है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 16-14 सेमी होती है तथा वजन 15 से 20 ग्राम का होता है। और दुनिया की सबसे बड़ी कोयल द चैनल बिल्ट कुकू है, जिसकी औसत लंबाई 70 सेमी और वजन लगभग 640 ग्राम होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, हम आपको बता देते हैं, कोयल का वैज्ञानिक नाम यूडाइनोविस स्केलोपिक्स है। तथ्य नंबर सात, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य का राजकीय पक्षी कोयल है? यदि आपको पता है तो कृपया इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आइए देखते हैं आगे, दोस्तों कोयल कौवे की तरह जरूर दिखती है परंतु ध्यान से देखने पर यह कौवे से दुबली पतली होती है। इसकी पूंछ लंबी होती है, जबकि मादा कोयल तीतर के समान चितकबरी और लंबी पूंछ वाली होती है। कोयल की आंखें लाल, पांव स्लेटी तथा चोंच हल्की हरी होती है। तथ्य नंबर सात, दोस्तों कोयल की हूबहू आवाज निकालने के लिए कोयल की हूबहू आवाज निकालने वाली एक घड़ी है जो बिल्कुल कोयल जैसी आवाज निकालती है। जानते हैं इस घड़ी का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, इस घड़ी का आविष्कार सन 1730 में फ्रेंज एंटान के टेस्टर्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। तथ्य नंबर आठ,
दोस्तों, कोयल का औसत जीवन काल लगभग 5 साल का होता है। यह जून और जुलाई महीने में अंडे देती है और बड़े चालाकी से यह अंडे कौवे के घोंसले में देती है। मई और अप्रैल और मई के महीने में ही यह कोयल के उन घोंसलों की तलाश, कौवे की घोंसलों की तलाश करने लगती है जहां यह सुरक्षित पूर्वक अंडे दे सके। और अंडे देने के समय मादा कोयल पेड़ों की झुरमुट में छुपकर बैठ जाती है, जबकि नर कोयल कौवे को के पास जाकर उसे चिढ़ाने लगता है, उसे डराने लगता है, उस पर झपट्टा मारने लगता है, जिससे कौवा चिढ़कर उसका पीछा करता है। कौवे और कौवी उसका चिढ़कर उसका पीछा करते हुए जब दूर निकल जाते हैं तो अवसर देखकर मादा कोयल कौवे के घोंसले में रखे हुए अंडों को या तो खा लेती है अथवा गिरा देती है, अथवा उन्हीं अंडों के बीच में अपने अंडों को भी मिला देती है। और कोयल और कौवे दोनों के अंडे लगभग समान दिखते हैं, इसलिए कौवे इसे पहचान नहीं पाते और अपने अंडे समझकर उसे सेते हैं। इस प्रकार कोयल कौवे जैसे चालाक पक्षी को चकमा देकर उनसे अपने अंडे को सेवाती है। दोस्तों, तथ्य नंबर 10। दोस्तों, अंत में हम आपको बता देते हैं कि कोयल जितनी देखने में काली होती है, तन से जितनी काली होती है, उसका मन भी उतना काला होता है। वह एक बेदर्द माँ के रूप में जानी जाती है, क्योंकि जब यह कौवों के घोंसले में अपने अंडे दे देती है तो देने के बाद वहाँ से तुरंत हट जाती है और मुड़ करके भी अपने अंडों की ओर नहीं देखती। अब कभी कभी कौवे जो होते हैं वो भी बड़ी चालाकी के साथ जान जाते हैं कि ये उसके अंडे नहीं हैं, उसके अंडों को जमीन पर गिरा देते हैं और तोड़ डालते हैं। कभी कभी कौवों से जो अंडों से बच्चे निकल आते हैं, बच्चे देखने में कौवे के बच्चे जैसे लिखते हैं, लेकिन परंतु कुछ चालाक कौवे ये समझ जाते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं, उसे चोंच से मार करके मार डालते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन कोयल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर माँ की ममता नहीं छिपी होती, वह केवल अंडे देकर उड़ जाती है। इसी के लिए कोयल को एक बेदर्द माँ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कोयल के बारे में कैसी जानकारी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।